गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस देख सकते हैं ये जो है कोझीकोड, आई लव कोझीकोड यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग फोटो आके खिंचाते हैं और ये कोझीकोड का बीच है और यहाँ पर देख सकते हैं लोग कितने लोग यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है सर्कल है कोझीकोड का और यहाँ पर बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत बहुत दूर से ट्रेवल करने के लिए आते हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे पब्लिक है और मैं आगे का भी बीच का आपको सीन दिखाऊंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो फैमिली भी यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं और जो ऐसे लवर रहते हैं वो भी आप यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में और यहाँ पर जो है शाम के टाइम में बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी पब्लिक है और बैठने के लिए भी यहाँ पर आपको बहुत सारे जगह मिल जाएंगे और यहाँ पर जो है आपको पार्क वगैरह हर चीज़ यहाँ पर का आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग किस तरीके से पूरे ग्रुप का फोटो यहाँ पर काट रहे हैं, देख सकते हैं बहुत ही फेमस प्लेस है ये और यहाँ पर जो देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ग्रुप के साथ फोटो काटा जा रहा है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो आपको कोझीकोड आई लव कोझीकोड जो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर जो है बहुत लोग मतलब ऐसे बैठ के यहाँ पर फ़ोटो काटने के लिए ही असल में ये बना है और यहाँ पर जो है देख सकते हैं पूरा ग्रुप के साथ में यहाँ पर फ़ोटो काटे बगैर तो यहाँ से कोई जाते ही नहीं है। क्योंकि मैं भी यहाँ पे गया था और हमारी भी फैमिली गई थी और हमारी फैमिली भी यहाँ पर पूरे फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह यहाँ पर काटे थे। और देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर का अभी सीन दिख रहा है कि एक ग्रुप के साथ में ये एक ग्रुप है जो कि बाहर से आए थे घूमने के लिए और वो जो है यहाँ पर अभी फोटो वीडियो कर रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते गाइस यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर सीन है, कितने लोग यहाँ पर है। तो चलिए मैं आगे का पूरा आपको वीडियो दिखाता हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे ऐसे आइटम्स यहाँ पर मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ते में यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए मिलता है। मैंने यहाँ पर जितना भी चीज़ खाया मुझे बहुत ही सस्ता लगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने पब्लिक है। एक्चुअली गाइस ये तो संडे नहीं है, संडे को तो और ज़्यादा ही भीड़ रहता है यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर संडे को भी छुट्टी रहता है और बहुत लोग वहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आइस क्रश है, ये जो है काफ़ी टेस्टी है और ये केरला का काफ़ी मतलब बहुत ही फेमस है ये। और मैं भी ये यहाँ पर बना के खाया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो है बहुत सारे इसमें मिक्स करके देते हैं और ये सिर्फ ओनली 30 रुपीज़ का ही होता है और बाकी जगह में आप ऐसा कुछ अगर खाएंगे तो बहुत महंगा होता है, बट ये जो है 30 रुपीज़ का है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। सो आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो ज़रूर आप टेस्ट कीजिएगा। और वहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको ये अनानास जो हो गया कुछ भी आपको यहाँ पर ये जो अचार के बोतल के अंदर जो भी एक एक पीस है रखा हुआ, आप जो भी एक पीस खाएंगे वो एक पीस का 10 रुपीज़ पर पीस का 10 रुपीज़ पड़ता है, जो कि इसके अंदर पूरा आपको स्वीट वाला मिलता है, खट्टा वाला मिलता है, जो भी नमकीन वाला चाहिए जो, और यहाँ पर आपको अचार वगैरह सब रख के रहता है। अब उसमें मिला के अपने से चूटा पकड़ के आप निकालिए, अचार लगाइए और खाइए, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। बट आपको जो है क्वांटिटी याद रखना होगा कि ये क्वांटिटी कितना है, आप वो पूछेगा, आप उसका पैसा पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी फन जगह है ये, और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं आपको आगे पूरा वीडियो में बताऊँगा, तो आप बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको पतंग मिलता है जो कि आप यहाँ पर पतंग खेल सकते हैं, पतंग उड़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, आप बॉल लाकर यहाँ पर मस्ती कर सकते हैं, आप यहाँ पर नहा सकते हैं, पानी के अंदर जा सकते हैं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता है। बट ध्यान रहे कि पानी थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा डीप है, बस आपको ख्याल रखना है। तो गाइस अगर यहाँ पर आपको अगर घूमने के लिए यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए अगर आते हैं तो ये नज़दीकी कोझीकोड जो है रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर जो है आपको बस से भी आने के लिए सुविधा है और यहाँ पर जो है ट्रेन जो है डायरेक्ट यहाँ पे कोझीकोड रेलवे स्टेशन है और उसी के नज़दीक में जो है ये जो है बीच है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब ये बीच है, सब लोग टूर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, तो चलो देखेंगे। वो दो भाई
20 रुपीस का ये पूरी है, ये इसके अंदर जो है वही भुंजा हुआ मोठ है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी शाम का टाइम है, लेकिन यहाँ पे लोग कितने बैठे हुए हैं। शाम के टाइम में भी यहाँ पर सब लोग बैठ के हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा बैठने में लगता है, और सामने समुंदर का नज़ारा और हवा ठंडी ठंडी, और यहाँ पर जो खाने पीने का सामान है बहुत कुछ मिलता है। ज़्यादा करके फेमस तो ये चीज़ है, देख सकते हैं यहाँ पे जो सामने दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। स्वीट ज्यादा डालो। मिक्स करो। हाँ दोनों मिक्स। भाई इसको क्या बोलते हैं? आइस क्रच। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर चेन वगैरह, रिंग वगैरह, या तो आपको रिंग के अंदर नाम लिखाने का, या तो आपको पुराने ज़माने का आपको रिंग सब मिल जाएगा। बहुत सारे यहाँ पर आइटम्स भी बिकने के लिए आते हैं, और यहाँ पर खाने के लिए देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको आइटम्स मिल जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, और भी साइड में बहुत कुछ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी पूरी, पानी मसाला, पानी डोसा, क्या क्या अलग अलग रहता है, बट यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत चीज़ आपको मिलता है। तो चलिए मैं आपको वहाँ पर का यहाँ का चाय का दिखाता हूँ कि चाय कैसे बनता है यहाँ पर, और किस तरीके से चाय को यहाँ पर मतलब सर्व करते हैं। तो चलिए वो हम देखते हैं, काफ़ी मज़ा आता है वो देखिए। यहाँ पर आपको दो तरह का चाय मिलता है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं, एक पहले दूध मिलाते हैं, मतलब चापत्ती और दूध पूरा मिक्स करके उसमें ही पूरा चापत्ती सब पूरा है ना मिला देते हैं, और इस तरीके से चाय देते हैं। और ये जो है एक अलग है, क्योंकि पहले इसमें दूध डालते हैं, फिर जो है चापत्ती का एक थैली रहता है, उसमें थैली के अंदर यहाँ पानी डाल के उसमें ये देख सकते हैं किस तरीके से गर्म पानी जो है चापत्ती के अंदर डालते हैं, और वह जो चापत्ती का कलर है उस दूध में चला जाता है, और फिर उसके बाद मिक्स करके इसको देते हैं। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं ये दूध है, जो कि खाली दूध भी देते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से खाली दूध में शक्कर, गरम गरम दूध मिलाकर इसको थोड़ा सा फेंट देते हैं, फेंटने के बाद देते हैं। सो गाइस ये जो ये भी 10 रुपये का ही है, और चाय भी 10 रुपये का है। सो आप चाय भी पी सकते हैं या तो आप दूध पी सकते हैं, दोनों में से कौन सा भी लेंगे तो 10 रुपया ही लगेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नज़दीक में ही मतलब यहाँ पर एग्जीबिशन लगा था, तो मैंने वहाँ पर भी गया। ये बीच के साइड में ही है, और यहाँ पर जो है कोई ना कोई तो एग्जीबिशन लग के ही रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर एग्जीबिशन लग के रहता है, मेला लग के ही रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड के ऊपर ही मतलब रोड के साइड में ही एग्जीबिशन लगा है, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। और आपको यहाँ पर जो है बहुत सारे मतलब पार्क भी मिलेंगे, और आगे जाएंगे तो खाने पीने के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, होटल वगैरह भी मिल जाएगा, बड़े बड़े होटल भी मिलेगा, छोटे भी होटल मिलेगा, आप जो चाहे वहाँ पर भी खा पी सकते हैं। और आपको यहाँ पर अभी देखेंगे, ये देखिए कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा है, कितना अच्छा यहाँ का सीन है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर जो है अभी एग्जीबिशन जो है लगा हुआ है। यहाँ पर मैं गया था, सो यहाँ पर देख सकते हैं पहले एक साइड से जाने का रहता है और दूसरे साइड से निकलने का रहता है। अभी एक साइड से जाएंगे आप तो कम से कम तो आपको पूरा मतलब 1 घंटा तो लगता ही है पूरा घूम के आने के लिए।
पूरा देख के आने के लिए एक घंटा से ज़्यादा ही चला जाता है। इतना बड़ा अंदर है, क्योंकि अंदर जो है बहुत सारे फिश उसके अंदर है, उसके अंदर एक्वेरियम लगा हुआ है, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है वो। बहुत बड़े बड़े छोटे फिश भी हैं, बड़े फिश भी हैं, कुछ जानवर भी है। आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ, तो आप बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए। अब अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद देखेंगे क्या क्या सीन मिलता है वहाँ पे देखने के लिए। तो बिल्कुल आप वीडियो पे बने रहिए और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ पोस्टर लगा हुआ है और वहाँ पर के अंदर में जाना है मुझे। सो गाइस, अभी ये जो है टिकट देख सकते हैं 120 रुपीज़ अडल्ट है, जो कि एक आदमी के लिए 120 रुपीज़ है, और बच्चों को 3 साल से लेकर 9 साल के बच्चों के लिए 60 रुपीज़ है। तो चलिए हम उसके अंदर जाएंगे, और उसके अंदर जाने के लिए 120 रुपीज़ का टिकट लगता है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने वहाँ पे जो है बड़ी फिश थी, और ये जो है छोटी छोटी एक्वेरियम है जो कि इसके अंदर भी फिश है। तो आप इस वीडियो को भी इंजॉय कीजिए, और आगे थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बट आगे का भी अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, वरना स्केप कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो गाइस, आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।
No, no, no.